नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इस पूरे सेटअप को देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम आपके लिए क्या खास आज लेकर आए हैं। बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादू, वो भी लाइव। ऐसे तो आपने बहुत सारे जादू के खेल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मैजिक जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और आपको मैजिक दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं मजीशियन की एक पूरी टीम। इस टीम से हम आपको परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं, हमारे दाई ओर है मधुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मेरे बाई तरफ आप देख सकते हैं ये मोहम्मद रफीक उर्फ रॉकी हैं, उनके बगल में देव हैं, ये उदयपुर से हैं। और आप सीपी यादव से मिल सकते हैं, ये हमारे साथ हैं, जो कि पूरा बताएंगे और ये मैजिक का खेल दिखाएंगे। सीपी यादव जी के बगल में हमारे साथ भंवर तलाईचा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक जादू, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे एक घंटे। खैर, शो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ा खेल जिसे इसी टीम ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद के एक स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने पेश किया था। जादू के खेल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं एक ऐसा खेल जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थाम कर देखिए जादू लाइव। ये है जादूगर सीपी यादव, ये दिखाएंगे एक ऐसा करतब जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन सवाल है, आखिर ये क्या करने वाले हैं? लेकिन ये जो भी करेंगे, हमारा दावा है कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। पहले इनके पैरों को जकड़ा गया, फिर हाथों में हथकड़ी बांधी गई। फिर जादूगर को जंजीरों से बांधा गया। ये देखिए, ये जंजीर कितनी मजबूत है, हर तरीके से इसकी मजबूती टेस्ट की गई है। फिर इसी मजबूत जंजीर से इस शख्स को बांधा गया, वो भी 11 तालों से। अब क्या होगा? क्या इसे हमेशा की तरह बक्से में बंद करके पानी में फेंक दिया जाएगा? लेकिन रुकिए, ये क्या, इसे क्रेन से ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? अच्छा, तो इसे बाड़ में डाला जा रहा है। फिर अरे, ये तो बाढ़ में आग लगाने की तैयारी हो रही है। शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसीलिए बाढ़ में जादूगर को डालते हुए कैमरे के दो एंगल से शूट किया गया और आप दोनों एंगल अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर क्या हुआ इस शख्स का? क्या ये खुद को जंजीरों से छुड़ा पाया? क्या आग की लपटें इसको झुलसा पाई? आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। धर्मेंद्र यादव, महुआ न्यूज, फरीदाबाद। तो आपने देखा क्या कुछ किया सीपी यादव ने। आप जिन शख्स को देख रहे थे इतना भयंकर खेल खेलते हुए, डराने वाला खेल खेलते हुए, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप मिल सकते हैं, सीपी यादव हमारे साथ है। यादव जी, सबसे पहले तो यही बताइए, आप तो खुद की जान आग के हवाले क्यों करने जा रहे थे? इस देश के लिए अगर लोगों का मनोरंजन करने पर और लोगों को खुश करने के लिए हम लोगों को खुश कर सकते हैं, तो ऐसा मैजिक दिखाना कोई खतरनाक नहीं होता। अगर हम साहसिक नहीं कर सकते, कहते हैं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, यह दुनिया नहीं आजकल बुजदिलों के वास्ते। क्या बात है, लेकिन आपके चेहरे पर हमें दिख रहा है झुलस चुका है आपका पूरा चेहरा। आग और पानी किसी की सगी नहीं होती, मोहताज नहीं होती। जब आग का खेल दिखाएंगे, इतना खतरनाक फायर एस्केप, ये तो चेहरा ही झुलसा है
इसमें न जाने कितने लोग झुलस जाते हैं। वही मेरा संदेश है कि लोग इस आग से खेले नहीं, ये खेलने का काम तो साहसिक लोगों का ही होता है। ये बताइए, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे, आप कितनी देर तक उस तरह क्रेन से हैंग थे और आग में कितनी देर तक थे? लगभग 15 मिनट तक मुझे क्रेन से ऊपर लटकाया गया और उसके बाद जब आग में डाल दिया गया तो लगभग 10 से 12 सेकंड तक मैं आग के चारों तरफ से लपटों के साथ था और उस दहकती हुई आग में से मुझे निकल के आना था, जिसके लिए कोई भी सेफ्टी फेस की या किसी भी तरह से नहीं करनी होती है। तो 10-15 सेकंड में आपने ताला खोला, कैसे, कहाँ लॉक कितने लगे थे, कैसे 10-15 सेकंड में आप निकले वहां से? उसमें 11 लॉक थे, 11 ताले थे, एक हाथ में हथकड़ी थी, पैरों में मजबूत रस्सी थी जो टूट नहीं सकती, जिससे मुझे लटकाया गया था, और साथ में 28 फुट से 30 फुट लंबी लोहे की जंजीर थी जिससे बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। खैर, हम और उम्मीद है कि जितने दर्शक हैं वो भी हैरान होंगे और मैं तो हैरान हूं ही, और मैं तो ऐसा कतई करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये बताएंगे, ये जब आप करके निकले आपकी पूरी टीम ने सपोर्ट किया होगा? पूरी टीम ने सपोर्ट किया, माननीय मंत्री जी हमारे वहां थे, मंत्री जी ने ही मेरे हाथों में हथकड़ियां बांधी, SDM साहब थे और समस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हजारों दर्शकों के बीच में ये कारनामा किया है और नॉर्थ इंडिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में भी लिख चुका है कि 7x7 फिट के उस आग के घेरे में से इतने समय तक रहकर निकलना बहुत ही मुश्किल है, और उसी का मुकाम बनाने के लिए ये फायर एस्केप इसका नाम दिया है, बच के आए। महुआ न्यूज की ओर से और मेरी ओर से सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, थैंक यू, आपके इस उपलब्धि के लिए। और अब ये जो सेटअप है, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आप यहाँ हमें क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आपने कहा हरे रंग, उधर मुझे बांधा गया, डाल दिया गया, तो लाल रंग की झड़ी तो नहीं आई, क्योंकि लाल रंग की झंडी जब हिलती है तो खतरा हो जाता है, लेकिन एक पीले रंग की झंडी जरूर हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम महुआ चैनल के साथ बोलेंगे S1, 2 और 3, क्योंकि अगर हमारे पास स्टिक नहीं है तो फायदा क्या। लेकिन इसी के साथ देखते हैं, थोड़ा सा और मैजिक करते हैं, आप भी मेरे साथ आएंगे, हैंकी प्लीज आप लेंगे, कौन से कलर का है ये, विच कलर? यस, जलेगा नहीं, डरने की जरूरत बिल्कुल, ये है हरा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दे, कुछ तकनीकी वजह हो सकती है कि ये हैंकी उन्हें ना दिखे, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये हरे रंग का रुमाल मेरे हाथ में है इस वक्त, और अगर मैं ऐसे घूमता हूँ तो आप देखते हैं मेरे पास है एक छाता जी, यस, ये भी आप चेक कीजिए, नकली तो नहीं है ना, बिल्कुल ये छाता असली ही लग रहा है। और एक ये मेरे पास व्हाइट कलर का हैंकी है, और ये ग्रीन मुझे दीजिए, यानी अभी हमारे पास 3 हैंकीज हैं, एक ग्रीन, व्हाइट, और एक आप देख रहे हैं संतरे रंग का। तो तीनों को हम बड़ी बारीकी के साथ जानते हैं, तीनों रंगों को हम अपने देश के बहुत ही प्यारे रंग देखते हैं, जो जब मैंने फायर एस्केप दिखाया था तो आपने बड़े गौर से देखा होगा इस एक्ट को, कि जब मेरे हाथों में एक तिरंगा था, तो मैं दिखाने जा रहा हूं इन तीनों ही पट्टियों के साथ एक मैजिक, जरा आप सभी इसे ध्यान से देखिए, S1, 2 और 3, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं तो भारत की याद करना मेरा परम कर्तव्य। बिल्कुल, कितना मुश्किल होता होगा, मैं यहाँ खड़ी हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि सभी जानते हैं कि जादू हाथ की सफाई ही है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे दिखा नहीं कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो 3 रुमाल थे वो तिरंगा में तब्दील हो गया, और आप वहां से तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे होंगे। खैर, ये मैं प्रोग्राम के बाद इनसे समझूंगी कि क्या किया इन्होंने, अब देखते हैं आगे क्या दिखते हैं। अभी मैं नॉन स्टॉप आपको मैजिक दिखाऊंगा ताकि आप भी एंटरटेनमेंट ले सकें और हमारे दर्शक भी एंटरटेनमेंट ले सकें, तो चलते हैं नॉन स्टॉप मैजिक के साथ, तो आप भी बने रहिए और देखते रहिए। दिस इज द ब्लैक कलर स्कार्फ, यस, 1, 2 और 3। हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा,
उसी मेरे पास वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Yeah.